फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए कोर्स के साथ, जिस कोर्स का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके IIT जैम, DU, BHU और मेनी अदर इंट्रेंस के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे मतलब कि आपको जो है बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, SN-, SN-NGP, SNI, ऐसे से करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट इसको नॉर्मली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस सीरीज़ को आप पूरा देखें तो ये इस सीरीज़ की फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें सीखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमारा क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा एक सब्सट्रेट होता है, ठीक है, हमारा एक सब्सट्रेट होता है, तो उसके साथ में हमें क्या दिया हुआ होता है, एक हमें एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ होता है। तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दो तरीके से अटैक कर सकता है। या तो एक केस में ऐसा हो कि वो एक कार्बोकेटायन बना दे, उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करा के हमारा प्रोडक्ट बने, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि या तो फिर उसमें एक हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म करे, ऐसा ट्रांजिशन स्टेट टाइप, जिसमें एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, एक तरफ से हमारा जो एक्स है हमारा वो एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो एक तरफ से वो हमारा एक लिविंग ग्रुप निकल रहा हो, तो हमें उससे जाके बाद में हमें एक प्रोडक्ट मिले। तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो उसमें जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या चीज़ है, हमारा है लिविंग ग्रुप, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, और हमारा ये न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी, मतलब कितना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, कितना पावरफुल है नहीं। तो ये सब चीज़ हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे, जब हम SN1, SN2 ये सब पढ़ेंगे तो उस केस में हम ये सब जानेंगे। तो उम्मीद है आपको अभी तक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आई कि बेसिकली वो होता क्या है। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे न्यूक्लियोफाइल में क्या सबसे स्टेबल चीज़ था, सब्सट्रेट। तो सब्सट्रेट में हमारा क्या क्या चीज़ हो सकता है, नॉर्मली मैंने कुछ एग्जांपल्स उठा के आपको दिखाया है, जैसे कि हमें कोई भी सारे मैंने लिविंग ग्रुप सेम ही डाले हैं, क्लोरीन ही डाले हैं, आप उसके साथ कुछ भी दे सकते हैं। तो आप हमारा दे सकते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट है हमारा यहाँ पे सारा कुछ सब्सट्रेट हमें यहाँ पे दिया होता है, ये सारी चीज़ हमारे सब्सट्रेट होते हैं। तो ये सब्सट्रेट होता है, ठीक है। अब उसके साथ हमारे यहाँ क्या होते हैं, एक लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, तो लिविंग ग्रुप बेटर कौन होता है, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, मतलब जो जितने भी वीक बेसिस होते हैं वो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये आपके रेट को बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हमारे ये लेफ्ट टू राइट जो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें दिया हुआ है लिविंग ग्रुप का, ठीक है। और अगर CH3O- और CH3C" में कंपेयर करें तो CH3C" बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई भी ग्रुप लीव क्यों करेगा, उसको जो है स्टेबिलिटी मिलेगी तभी तो वो लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3O- जब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन उसके साथ में बगल में एक CH3 ग्रुप है, तो वो उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है विद प्लस आई इफेक्ट के कारण। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है CH3C2O-, तो ये जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो वो ऑफकोर्स वो आपका एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और OH और SH की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा साइज फैक्टर है, जिसमें जितना अच्छा बड़ा साइज होगा वो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर था, ठीक है। हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा है सॉल्वेंट। तो हमारे न्यूक्लियोफिलिक में हम दो तरह के सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस जानने की बहुत ही ज़रूरत है कि पोलर प्रोटिक किसे कहते हैं और पोलर एप्रोटिक किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से जानते हैं कि पोलर प्रोटिक जो होता है वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो पोलर प्रोटिक होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता वो पोलर एप्रोटिक होता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट से हट के एक नया कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो पोलर एप्रोटिक जो है गिव्स स्टेबिलिटी टू बोथ कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन, जो कि कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन बोथ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं।
एग्जाम्पल से हमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, NH3 दिया, ROH दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसका वर्क क्या है वो देखते हैं। देखिए हमारे क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें CH3Cl दिया हुआ, तो देखिए CH3Cl दिया हुआ, ठीक है। तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब क्लोरीन लीव करता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक में क्या होता है कि अगर वाटर लेते हैं, वाटर लेते हैं हम, तो वाटर के ऑक्सीजन से देखिए वो हमारे जो कार्बन कैटायन है उसको भी स्टेबिलिटी दे रहा है, और हाइड्रोजन से जो क्लोरीन पे जो नेगेटिव है वो उसको स्टेबिलिटी, मतलब जो लीव कर रहा है वो भी स्टेबल हो रहा है, और जो कार्बन कैटायन बन रहा है वो भी स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो पोलर प्रोटिक होता है, जो कार्बन कैटायन कार्बन है, बहुत को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक गिव्स ओनली स्टेबिलिटी टू कार्बो कैटायन, जो केवल कार्बो कैटायन को स्टेबिलिटी देता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, यहाँ पे हमारा जो है क्या है, एसीटोन है, DMF है, DMSO है, और क्राउन एथर, ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3Cl- दिया हुआ है, तो जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उससे जो है हमारा ओनली कार्बो कैटायन स्टेबल है, बट लेकिन जो CH3 से हमारा वो है वो Cl- हमारा स्टेबिलिटी उसे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स की। तो देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने लिख दिया है, बट हो सके तो इससे ज़्यादा भी मैं पढ़ा दूँ, तो ठीक है। तो हमारे टाइप्स क्या क्या है, तो टाइप्स है हमारा SN1, SN1- SN2, SN2- SNNGP और SNI। ये SN2 और SNNGP और SNI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख के रख लीजिए IIT JEE के लिए। इससे आपको क्वेश्चन जो होता है बहुत ही अच्छा बन के क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, आगे के लेक्चर्स में हम और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।